हे एवरीवन, वेलकम बैक। होली आ रही है और पुआ ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो होली की बहुत सारी डिशेज हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। और अगर आपको क्रिस्पी पुआ पसंद है तो आप इस वीडियो को फुल देखें। आई विल शेयर अ सीक्रेट टिप। पुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, जो ऑलमोस्ट 150 to 180 grams होंगे। और अब इसमें ऐड करना है 6 to 7 tablespoons घी। हमें बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना और बहुत कम भी नहीं। सो फर्स्ट सीक्रेट टिप ये है कि मैंने यहाँ जितना घी बताया है आप उतना यूज़ करें, कम ना यूज़ करें। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करें, इसमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। जब आप इसे हाथों में टाइटली बांधेंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए। और अब इसमें ऐड करें पानी। पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें एक बार में, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा डाला है वैसे ही करके आप इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर धीरे धीरे पानी डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें क्योंकि हमें पुआ का बैटर लम्स फ्री चाहिए। रुक जाओ, अभी मैंने बहुत सारे सीक्रेट टिप्स नहीं बताए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी बैटर में उतना ही पानी डालें जिससे कि ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और अब इसमें हमें इलायची डालना है। अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। या मैंने 2 इलायची यूज़ किया है और इसे मैंने क्रश कर लिया है। एंड सेकेंड सीक्रेट टिप ये है कि इसमें नॉर्मल पुआ से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर लगता है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप शुगर यूज़ किया है। और अब इसमें इलायची का पाउडर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बट अभी ये थोड़ा सा थिक है। और अब इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। थर्ड एंड फाइनल टिप ये है कि इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाइए और नॉर्मल पुआ के बैटर से थोड़ा सा इसे पतला रखें। अब एक पैन में घी लें और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गरम करें और फिर पुआ का बैटर डाल दें। और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छे से फैल रहा है। और अगर आपका बैटर ऐसे नहीं फैले तो आप उसमें थोड़ा और पानी मिला सकते हैं। और अब इसे अच्छे से कलेक्ट कर दें पुए पर, और यही चीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनाने वाली है। तो आप अपने पुए के बैटर को ऐसा ही रखें और इसे दोनों ही साइड से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। फ्लेम को लो ना करें, फ्लेम को हाई ही रहने दें, पर ध्यान रहे कि ये जले नहीं। और जब इसे एक तरफ से पलट दे तब दूसरा पुआ पोर करें और इसे भी इसी तरह से कलेक्ट कर दें और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने दें। और एक बार में बहुत सारे पुए ना डालें, बीच बीच में इसे दोनों तरफ से पलट के पकाते रहें। हम हमेशा कोई भी रेसिपी किसी से सीखते हैं, और ये रेसिपी मेरी फ्रेंड की ग्रैंड मॉम की रेसिपी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे क्रिस्पी पुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक हर फॉर दिस रेसिपी। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब इसे हमें निकाल लेना है। सारे घी को अच्छे से निकाल लें और उसके बाद ऐसे ही आप सारे पुए को छान लें। जब ये पुए थोड़े से ठंडे होंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे 6 से 7 दिनों के लिए आराम से रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, लीव अ कमेंट।